हमारे लिए आज की तलावत रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब 14वीं आयत फिर 36वीं से 41वीं आयत तक। तब पतरस ने उन 11 के साथ खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद की और उनसे कहा, ऐ यहूदी मर्दों और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। बस इसराइल का सारा घराना यकीन जानकर कि खुदा ने उसी यसु को जिसे तुमने सलीब दी खुदावंद भी ठहराया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिल छीत गए और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ मर्दो भाइयों, हम क्या करें। तब पतरस ने उनसे कहा, तोबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यसु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे, इसलिए कि ये वादा तुम से और तुम्हारे बच्चों से है और उन सब से भी जो दूर के हैं और जिन्हें खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने बहुत सी और बातों की गवाही दी और उन्हें नसीहत की कि अपने आप को इस कज रफ्तार कौम से बचाओ। बस जिन्होंने उसकी बातें कबूल की उन्होंने बपतिस्मा पाया और उसी रोज़ करीबन 3,000 आदमी उनमें मिल गए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।